टेम्पटेशंस की टेंशन शाहरुख को सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस शो के शुरू होने से पहले भी एसआरके को कई झटके लगे, खासतौर से उनके शो की हीरोइन से। किसी को एसआरके ने कह दिया बाय बाय, तो किसी ने उन्हें कह दिया अलविदा। रानी और शाहरुख के बीच कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन ये उन्हें करीब लाने के बजाय बढ़ा रहा है उनके बीच की दूरियां। जी हाँ, शाहरुख की प्यारी दोस्त रानी अब नहीं रही हिस्सा उनके चर्चित टूर टेम्पटेशन रीलोडेड का। जर्मनी और स्पेन के ऑर्गेनाइजर्स के बाद रानी ने दे दिया है किंग खान को झटका, बना दिया है बहाना डेट्स का। दुबई में 23 अक्टूबर को होना था टेम्पटेशन रीलोडेड का इकलौता शो, लेकिन किसी वजह से शो हो गया 25 के लिए पोस्टपोन। बस रानी को मिल गया शाहरुख से बदला लेने का मौका। सूत्रों की माने तो शाहरुख और रानी की दोस्ती में पहली दरार तब पड़ी जब सलमान और शाहरुख के झगड़े के बाद रानी ने सलमान खान के शो 10 का दम में हिस्सा लिया। यही नहीं, इस शो पर रानी ने सलमान को अपना अच्छा दोस्त बताया। फिर क्या था, ये बात किंग खान को हजम नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन बिल्लू बार्बर में डांस नंबर के लिए रानी के बजाय प्रियंका चोपड़ा को चुन लिया। तब शाहरुख ने रानी को किया था खुद से दूर, इस बार रानी ने कह दिया शाहरुख को अलविदा। इन स्टार्स के इस झगड़े में कौन किसे मात दे रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल टेम्पटेशन टूर के जर्मनी और स्पेन के शोज कैंसिल होने के बाद रानी का टूर से बाहर होना शाहरुख के इस टूर का टेम्पटेशन जरूर कम कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि किंग खान के इस टूर से बाहर होने वालों में सिर्फ रानी ही नहीं, बल्कि हॉट एंड सिजलिंग बिपाशा और दीपिका पादुकोण, जो पहले दो शोज का हिस्सा थी, वो भी दुबई के शो में नहीं देंगी शाहरुख का साथ। डेट्स की प्रॉब्लम ने इन सभी हसीनाओं को कर दिया है शाहरुख के टूर से दूर। टेम्पटेशन रीलोडेड जिसे शाहरुख देना चाहते हैं जवाब बच्चन के अनफॉरगेटेबल टूर को, वही टूर अब शाहरुख को दे रहा है एक के बाद एक झटके। खैर, हम तो मानते हैं कि जहां किंग खान खुद मौजूद हो तो किसी और की क्या जरूरत। 25 अक्टूबर को होने वाला है दुबई में शाहरुख का ये शो, जिसमें उनका साथ देंगी उनकी दोस्त करीना कपूर, अर्जुन रामपाल के साथ कटरीना कैफ। क्या शाहरुख और रानी और दूसरी हसीनाओं की कमी खलेगी, इसका पता 25 अक्टूबर के बाद ही चलेगा। सुरुचि महातपुरकर, जूम, मुंबई।